अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बेवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। थाने में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रवक्ता की पिटाई की है, जिसकी वीडियो एनसीपी के कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र हवाड ने ट्वीट किया है और सीएम पर तंज कसा है। लिखा है कि पिछले 3 साल से सब कुछ देख रहा हूं और अब 35 दिनों में हद पार हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता गिरीश कोहली ने बताया कि वो अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि सोशल मीडिया में सीएम के खिलाफ पोस्ट करने को लेकर उनके साथ हाथापाई और मारपीट की गई, यहाँ तक कि उनका जो ट्वीट था वो डिलीट कराया गया और माफ़ी भी मंगवाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के महाराष्ट्र के सचिव मनोज शिंदे ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर 24 घंटे के भीतर जिन कार्यकर्ताओं ने हमारे प्रवक्ता गिरीश कोहली के साथ हाथापाई की है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता के घर के बाहर ठिया आंदोलन करेंगे। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गिरीश कोहली ठाणे कांग्रेस प्रवक्ता और मनोज शिंदे कांग्रेस महाराष्ट्र सचिव, इन लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। सर, कल आपके साथ मारामारी हुई है, क्या पूरा मामला था, किस तरीके से हुआ, कहां पे हुआ? मैं 9:15 के बजे वो टाइम पे हमारे स्वर्गीय नारायण राजू कोहली जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे पहले, उनका एक चौक है, वहाँ फेमस चौक है, वहां से मैं गुजर रहा था मेडिकल में जाने के लिए। तो मुझे 4-5 लोगों ने रुकाया, उससे पहले 5-10 मिनट बात किए कि आपने जो पोस्ट की ऐसे वैसे भी, बोला कौन सी पोस्ट की, तो उन्होंने वही दिखाया, तो वो पोस्ट ये थी, एक नॉर्मल पोस्ट है, इसमें किसी राजकीय नेता या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर का कोई नाम नहीं ना कोई है। मैंने एज अ कांग्रेस एज अ स्पोक्स पर्सन मैंने पोस्ट डाली थी। दूसरा ऐसा था कि उनसे भी बार बार पूछता रहा कि इसमें मेरा क्या दोष है। उन्होंने फिर मुझसे हाथापाई की, वो बात फिर झगड़े तक आ गई। उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि इसके बाद तुम ऐसा करने का नहीं, ऐसा नहीं करने का, और बार बार वो सीएम साहब का नाम ले रहे थे। और सीएम साहब के बारे में बोलूंगा तो मैं उनके जो मद्दा संघ है कोकरी पाछपा कड़ी उधर का ही हूं मैं। और मेरे एक कार्यक्रम में मैंने मुख्यमंत्री साहब को इन्वाइट भी किया था दिसंबर में, वो आए भी थे 11 बजे, और मेरा उनसे अच्छा रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर उनका नाम लेके मुझे धमकाया गया, मुझे मारा गया, तो ये इस बात का मैं कांग्रेस की तरफ से निषेध करता हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि मुझे जो मारा गया वो अकेले में पकड़ के मारा गया, मतलब ये किया गया, तो उसका पहले निषेध करता। दूसरी बात ऐसी है कि मैं कांग्रेस का एज ए स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता हूँ ही, लेकिन हमारा जो कोली आगरी समाज है ठाणे जिला में, मुंबई में पूरे, उसका भी मैं नेतृत्व ठाणे जिला लेवल पे करता हूँ। अभी दीवा पाटिल साहब का जो एयरपोर्ट का विषय था उसमें भी मैं वो आंदोलन में था। उसके बाद थाने में जो भी कोली समाज के आगे समाज के विषय थे उसमें मैं समावेश रहता हूँ। तो एक्चुअली ये एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन करके मुझ पर हल्ला है। दूसरा कहते हैं कि कोली समाज और आगे समाज का एज अ लीडर करके मुझ पर हमला है, इसका हम लोग जाहिर निषेध करते हैं। जैसे मेरे हमारे नेताजी है कांग्रेस जी, मनोज शिंदे, विक्रांत चव्हाण रहेंगे, आवार साहब का डरो मत, आगे लड़ने का है। आज आप देख रहे हैं कि जो भी विषय कांग्रेस वाले ले रहे हैं उसको उनको दबाया जा रहा है पूरे इसमें, तो आज ये विषय जो मुझे दबाने का ही प्रयास था, लेकिन मैं दबने वाला हूँ नहीं। और मेरी प्रशासन से और मुख्यमंत्री साहब से इतनी ही गुजारिश है एज अ कांग्रेस प्रवक्ता और उनका एज अ वोटर करके कि इस पोस्ट पे कुछ गलत रहेगा तो आप मुझे बोल सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल पोस्ट थी, उनका फिर जिक्र भी नहीं नाम का। और मैं गुजारिश करूंगा प्रशासन से और सीएम साहब से कि इस बारे में आप कठोर से कठोर कार्रवाई कर दीजिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिस तरीके से आप जो पोस्ट किया वो क्या पोस्ट था, और आप कहा जा रहा था कि आप हमेशा इस तरीके की बात गलत पोस्ट करते हो, क्या पोस्ट आपने किया था बताइए। नहीं, आप मेरे अगर पिछली अगर मैं आपको चेक करेंगे तो उसमें ऐसा मैं किसी पॉलिटिकल लीडर पे क्या बोला है, एज अ कांग्रेस करके मैंने आप भी गए राहुल जी का ये यात्रा थी भारत जोड़ो, उसका सब पोस्टिंग था मेरा। और दूसरी बात, अभी ज्यादा पॉलिटिकल पोस्टिंग है ऐसा प्रभावित करता हूँ, तो अभी आप जो पोस्ट पे विषय हुआ तो देखिए इसमें किधर किसी का नाम है क्या, पॉलिटिकल कोई उसका नाम है क्या। सर, जिस तरीके से आपके साथ मारहाण हुई है, कुकरी पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दाखिल करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के ऐसा होता है कि दोनों में समझौता,
मेरे पीछे मेरे कांग्रेस के नेता खड़े हैं और महाविकास आघाड़ी के लोगों का भी मुझे फोन आया है पर्सनली, वो भी मेरे पीछे है। तो इसमें कैसा है कि जो राजकीय ये जो हुआ है उसमें हम लोग आगे तक जाएंगे और मेरे जो नेता है वो मेरे पीछे खड़े हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि गिरीश तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कहीं भी लगा हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, इसके लिए मैं आगे तक जाऊंगा। पुलिस स्टेशन में हम लोग गुंडा दखल करने वाले, अगर इसकी कार्रवाई तुरंत हुई नहीं तो जो बोनकर का जो उप विभाग प्रमुख है उनके घर का, उसके घर के ऊपर हम लोग निदर्शन करें। हमारी महिला कांग्रेस, हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस, पैरेंट कांग्रेस, सभी पदाधिकारी, सभी ज्येष्ठ नेता खाना कांग्रेस के और हमारे प्रभारी जो महाराष्ट्र से अपन के, सभी हम लोग उसके घर में निदर्शन करेंगे 24 घंटे में। उसके ऊपर आप कार्रवाई करो, ये हमारी मांग है, इसको आप बिल्कुल दुजारा देना नहीं, इसके ऊपर शासन होना चाहिए।